हेलो एवरीवन, मैं हूँ गीतांजलि। आपका स्वागत है रस्तोगे किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सूजी के पापड़ आप घर पे कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम मेहनत में ये आसानी से बन जाती है और ज़्यादा चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए भी नहीं। और आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए आपने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक कर सकते हैं। अभी हम गैस की फ्लेम ऑन नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम सूजी को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो भी इसमें लम्स होंगे उन्हें हम पहले ही हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आप गैस ऑन कर देंगे तो उस समय आपके इसमें ज़्यादा लम्स पड़ जाते हैं और वो हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर 4 कप पानी डाल दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ, आप ठंडा भी ले सकते हैं और फिर उसमें उबाल लगा लेंगे। लेकिन ऐसे पानी पहले ही गर्म करने से ये जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो 4 कप पानी डाल के हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, क्योंकि इसमें बिल्कुल पतला होना चाहिए, इसलिए हम इसे चेक करेंगे कि ये गाढ़ा तो नहीं है। तो ये मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे उस समय ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले पतला ही रखना है। तो मैं यहाँ पर 3 कप के करीब पानी और डाल दूँगी, यानी कि टोटल मैंने 7 कप पानी डाला है 1 कप सूजी के लिए। तो मेजरमेंट आपको पता चल गया है, 1 कप सूजी लेंगे तो उसमें 7 कप पानी डालना है। अब इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतला सा लग रहा है। तो ये तो हमारा रेडी है। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अजवाइन, हल्का सा इसको मसल के डालेंगे। ऐसे मसलने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर जीरा भी डाल सकते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और हम पहले इसमें एक उबाल आने तक का वेट करेंगे, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि फिर ये सूजी बैठने लग जाएगी और इसमें तला लगने लगेगा, इसलिए हम इसको लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये इस तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इसको गाढ़ा होने में, एक उबाल के बाद ही थोड़ी देर में ये गाढ़ा हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रखी है, बिल्कुल एकदम गाढ़ी। तो अगर आप करछी को ऐसे डुबा के इसमें देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी मोटी लेयर आ चुकी है, और बहुत देर तक ऐसे रखने से भी इसमें से ये लेयर नहीं उतरी है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें एक लाइन आनी चाहिए। तो 2-3 तरीके हैं इसको चेक करने के। तो मैंने एक आपको करछी वाला बता दिया है, जिसमें आप उसे डिप करेंगे उसके बाद इसमें बहुत मोटी लेयर बन जाती है, और एक आप उसके गाढ़ेपन से भी आइडिया लगा सकते हैं, और तीसरा लाइन वाला। तो गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल हल्का सा। तो मैंने 2 मिनट के लिए इसको रख दिया था। अभी 2 मिनट में ही ये काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो इस समय हमने इसके फटाफट से पापड़ बना लेने हैं। तो पापड़ बनाने के लिए हम किसी भी मोल्ड का यूज नहीं करेंगे, ऐसे करछी से ही आराम से बन जाते हैं। तो करछी में आपने ऐसे बैटर लेना है और इसको ऐसे ही आप करछी से गोल गोल घुमा लीजिए, तो आप इस तरीके से आसानी से पापड़ बना सकते हैं। और नीचे से मैंने ये प्लास्टिक की पॉलिथीन ली है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था पहले, उसको अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद आप उसके ऊपर से ये बैटर को इस तरीके से फैला लीजिए। अब सभी को ऐसे फैलाने के बाद आप इनको धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। 1.5 से 2 दिन में ये अच्छे से सूख के बिल्कुल पापड़ हो जाते हैं। अगर आपके पास एरिया नहीं है धूप में रखने के लिए तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं, उसमें 2 से 2.5 दिन या फिर 3 दिन आपको लग जाता है। अगर कहीं कहीं पर आपको थोड़ी थोड़ी धूप मिल रही है तो आप वहाँ पर इनको रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा आप पंखे के नीचे भी इनको सुखा सकते हैं। तो वैसे तो ये 1.5 दिन में ही काफ़ी अच्छे से सूख चुके थे, लेकिन मैंने इनको पूरे 2 दिन की धूप अच्छे से सिकाई है, क्योंकि हम इनको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इनमें हल्का सा भी गीलापन होगा तो सारे पापड़ खराब हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैसे सूख चुके हैं, कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है इनका, और अच्छे से मैंने इनको सुखाया है। तो चलिए अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो इस टाइम पे तेल तो अच्छे से गर्म नहीं हुआ था,
तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था फूलने में, और आप देख सकते हैं ये अपने साइज से डबल या ट्रिपल हो चुका है। तो बहुत ही आसान है पापड़ों को घर पे बनाना। अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक बार में ही मैं बहुत सारे पापड़ यहाँ पर डाल रही हूँ, और देखो थोड़ी देर में ये कैसे फूल चुके हैं क्योंकि तेल अच्छा गर्म था। तो आप एक बार में ढेर सारे ऐसे बना के इनको सालों तक स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका मन करे तब आप इन्हें फ्राई करें यानी इंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसी नई रेसिपीज आपके हाथों से छूट ना जाए। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने साबुदाने पापड़ की रेसिपी भी डाली हुई है, वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करें और जाके इसे भी विजिट कर सकती हैं।